आज के हमारे स्टूडियो का टॉपिक है व्हाई इज स्टार पॉइंट नॉट शॉर्ट सर्किट। मतलब कि हम सभी ने कई बार देखा है कि हमारी जो मोटर होती है उस मोटर के अंदर हम जो कनेक्शन करते हैं वो स्टार के अंदर करते हैं और डेल्टा के अंदर करते हैं। इसी तरह हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर में भी हमको जो न्यूट्रल मिलता है वो न्यूट्रल हमें स्टार पॉइंट से ही मिलता है। तो हम सभी के मन में यही क्वेश्चन रहता है कि हमारे जो आर, ये वाई और बी, ये जो तीनों फेस है, ये तीनों फेस तो आपस में जाके स्टार पॉइंट पे शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे आपको दिख रहा है ये हमारा जो आर फेस है, ये आर फेस यहाँ पे जाके टच हो रहा है, वाई फेस भी यहाँ जाके और ये ब्लू फेस भी यहाँ जाके टच हो रहा है। तो ये तीनों पॉइंट जो है ये हमारे यहाँ पे शॉर्ट हो रहे हैं। और मोटर के केस में बात करें तो मोटर में भी आपको कई बार देखा होगा मोटर कनेक्शन जो होते हैं दो तरीके से होते हैं। एक होता है जिसके अंदर हमारी जो थ्री टर्मिनल है इसको हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं और इधर से आर वाई बी सप्लाई देते हैं, और दूसरे कनेक्शन में होता है यहाँ से इधर से हम इसको शॉर्ट कर देते हैं और इधर से आर वाई भी देते हैं। तो दोस्तों इस केस में भी हमारा जो कनेक्शन होता है ना अंदर की साइड वो इसी तरीके से होता है। तो हमारा जो ये पॉइंट होता है इधर, ये भी हमारा मोटर का भी न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो अब लोगों के मन में यही क्वेश्चन है कि आखिर हम इसको इस तरीके से शॉर्ट कर रहे हैं तो आखिर हमारा शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं क्रिएट हो रहा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, और साथ साथ अगर यह क्वेश्चन अगर आपसे कभी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है वो भी हम इस वीडियो के आगे में जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को समझना और इसका आंसर दोनों ही काफी ज्यादा आसान है। देखिए दोस्तों पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है हम एक अभी बात करते हैं एक फेस और एक न्यूट्रल की, तो मेरे पास एक फेस सप्लाई और एक न्यूट्रल है। इसके साथ में दोस्तों अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक लैंप को ग्लो करना है। ये मेरा एक बल्ब लग रहा है यहाँ पे, इस बल्ब को मेरे को ग्लो करना है इस फेस और न्यूट्रल से। तो मैं क्या करता हूँ इस फेस को इधर बल्ब के एक पॉइंट पे जोड़ देता हूँ और दूसरे पॉइंट पे मैं यहाँ से न्यूट्रल को जोड़ देता हूँ। अब जैसे मैं ऐसा करता हूँ मेरा जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो होने लग जाता है। पर दोस्तों अगर मैं दूसरे केस में ऐसा करूँ, ये फेस है और ये न्यूट्रल है, इन दोनों न्यूट्रल को ये बल्ब बीच में ना जोड़ के इधर से इस तरीके से शॉर्ट कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा हमारा शॉर्ट सर्किट, हमारा धमाका हो जाएगा। पर दूसरे केस में हमारा कोई भी धमाका नहीं हो रहा। पर दोस्तों अगर आप इस बल्ब के केस में भी देखोगे तो हमारा जो फेस है वो फेस और न्यूट्रल इस बल्ब के अंदर जाके हमारा शॉर्ट हो रहा है, मतलब आपस में टच हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है हमारे जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो हो रहा है। पर दूसरे केस में हमारे फेस और न्यूट्रल यहाँ पे टच हुआ तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रेजिस्टेंस सिर्फ इतना सा है हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस। दोस्तों क्या होता है हमारा कोई भी दो सप्लाई है उन दोनों सप्लाई को अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्टली जोड़ देता हूँ तो हमारा क्या होगा शॉर्ट सर्किट होगा। पर दोस्तों अगर मैं इन दोनों वायर के बीच में एक इनफ रेजिस्टेंस को ऐड कर देता हूँ तो हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अभी दोस्तों आपको इंटरव्यू में क्या बोलना है वो भी हम जानेंगे, पर अभी आप ये इतना सा बात को समझ लीजिए कि हमारा कभी भी शॉर्ट सर्किट तभी होता है जब हमारे जो दोनों वायर है वो दोनों वायर डायरेक्टली कनेक्ट हो, उसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कैपेसिटेंस, कोई भी इंडक्टेंस ना हो। पर अब अगर हम यही चीज ट्रांसफार्मर के अंदर देखेंगे तो ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा वो इसी वजह से नहीं हो रहा है। हमारा जो ट्रांसफार्मर में जो शॉर्ट पॉइंट बनता है जहां पे हमारा आर फेस, वाई फेस और बी ब्लू फेस जाके जुड़ता है, ये दोस्तों एक रेजिस्टेंस से जाते हुए जाता है। आप सभी ने देखा होगा हमारे ट्रांसफार्मर में जो सर्किट बनाया जाता है उसके अंदर सर्किट को डायरेक्ट ऐसे नहीं जोड़ा जाता, उसके अंदर सर्किट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये हमारा आर फेस की वाइंडिंग होती है, ये हमारे ब्लू फेस की वाइंडिंग होती है और इसी तरीके से हमारी ब्लू फेस की वाइंडिंग होती है। तो जब ये तीनों वाइंडिंग होती है ना, इन तीनों वाइंडिंग का खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, और ये जो रेजिस्टेंस होता है इस रेजिस्टेंस की वजह से हमारा यहाँ पे जब हम इस आर वाई भी तीनों को शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट सर्किट नहीं क्रिएट होता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोटर के केस में भी हमारी अंदर की ड्राइंग होती है वो ड्राइंग इसी तरीके से होती है। मोटर के अंदर भी हमारे इसी तरीके से अंदर की तीन वाइंडिंग होती है जो बाहर निकली होती है, जिसके छह वायर होते हैं। ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये छह वायर है। अब हम इधर देते हैं आर, इधर देते हैं वाई और इधर देते हैं बी। अब हम क्या करते हैं इधर से इन तीनों को शॉर्ट कर देते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है हमने इधर से शॉर्ट कर दिया। पर दोस्तों अब इधर से शॉर्ट करने के बाद में हमारे आर वाई बी आपस में टच होकर शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हुआ, वो इसी वजह से नहीं हुआ क्योंकि हमारी जो वाइंडिंग है इस वाइंडिंग का खुद का एक रेजिस्टेंस है, हमारी ये वाइंडिंग है इस वाइंडिंग का भी खुद का एक रेजिस्टेंस है और इस वाइंडिंग का भी। तो इन तीनों वाइंडिंग का खुद का एक रेजिस्टेंस है, तो इसी कारण से जब हमारी जो एनर्जी इस वाइंडिंग की तरफ से निकलती है वो हमारी एनर्जी यहीं पर हीट के फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में, मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारी जो मोटर है वो मोटर घूमने लग जाती है। बल्ब के केस में बात करें तो बल्ब के केस में हमारी जो एनर्जी वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इस केस में मोटर केस में बात करें तो हमारी एनर्जी मैकेनिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इस वाइंडिंग के बदौलत। तो आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी हमारे जो दो वायर है अगर वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, पर अगर हमारे इन दोनों वायर के बीच में एक इनफ रेजिस्टेंस है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। अब दोस्तों हम हमारे आगे आंसर के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आपसे कोई यही सवाल इंटरव्यू के अंदर पूछता है तो आप उस समय क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों वो आपसे जवाब इस तरीके से पूछेंगे कि हमारा जो स्टार पॉइंट है वो स्टार पॉइंट शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि सर आखिरकार जो शॉर्ट सर्किट होता है वो शॉर्ट सर्किट कब होता है। तो उनको यह बताना है जब कोई दो वायर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो वो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और अगर हम मोटर या फिर हमारे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की बात करें तो हमारा उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के कारण ही हमारा शॉर्ट सर्किट क्रिएट नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों आप एक बात का यह भी ध्यान रखिए और आप इंटरव्यू के अंदर भी ये बोल सकते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस का आप नाम ना लेके आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी दो वायर
आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट होता है। अगर दोनों वायर के बीच में रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस इनमें से कुछ भी चीज़ है और वो इनफ है तो हमारे वहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट नहीं होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति आप इलेक्ट्रिकल जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप इन्हें पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।